वीकेबी न्यूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। मंत्री नवाब मलिक ने एक और खुलासा किया है। इस बार उन्होंने एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर ड्रग तस्करों को बचाने का आरोप लगाया है। उधर अहमदनगर सरकारी अस्पताल अग्निकांड में आरोपी बनाए गए नर्सेस और डॉक्टर्स का मुद्दा गर्मा सकता है। नर्सों का संगठन आगामी सप्ताह से और तीव्र आंदोलन पर विचार कर रहा है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की जारी हड़ताल को लेकर गतिरोध टूटता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी ने सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और अपराधियों को बचाने का आरोप लगाते हुए राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा मुंबई महानगर के ठेकेदारों पर बीएमसी की मेहरबान भी सुर्खियों में है। ताजा खुलासे में 1200 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर बवाल मचा है। प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आरोपों के नए कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ व्हाट्सएप चैट और ऑडियो क्लिप जारी कर उन्होंने समीर वानखेड़े पर ड्रग तस्करों को बचाने का आरोप लगाया। मलिक ने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल से एनसीबी के गवाह केपी गोसावी और दिल्ली के एक मुखबिर के बीच कथित चैट को भी ट्वीट किया और कहा कि ट्वीट से पता चलता है कि वे उन लोगों को फंसाने की योजना बना रहे थे जो कार्डेलिया क्रूज पर पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। बता दें कि समीर वानखेड़े कल मंगलवार की शाम मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से पुलिस मुख्यालय में मिले। दोनों अधिकारियों के बीच करीब आधे घंटे बातचीत हुई। वानखेड़े क्यों सीपी ऑफिस गए, इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच क्रूज ड्रग मामले में पकड़े जाने के बाद आर्यन को छोड़ने को लेकर हुई कथित सौदेबाजी के आरोपों की छानबीन कर रही मुंबई पुलिस की विशेष जांच टीम के सामने अभिनेता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी दूसरी बार भी पेश नहीं हुई। मुंबई पुलिस की एसआईटी से पूजा ने पेशी के लिए और समय मांगा है। इस मामले के एक पंच प्रभाकर साहिल ने दावा किया है कि आर्यन को पकड़े जाने के बाद केपी गोसावी ने पूजा डडलानी से मुलाकात की थी और पैसों के बदले आर्यन को छोड़ने की बात की थी। अहमदनगर सरकारी अस्पताल अग्निकांड में आरोपी बनाए गए नर्सेस और डॉक्टर्स का मुद्दा गर्मा सकता है। इस मुद्दे के चलते सरकारी अस्पतालों में आगामी सप्ताह से स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा सकती है। नर्सों का संगठन आगामी सप्ताह से और तीव्र आंदोलन पर विचार कर रहा है। संगठन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस बार इनके तेवर काफी सख्त है और पीछे मुड़ने को कोई राजी नहीं, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि आगामी सप्ताह से नर्सेस व अन्य कर्मचारी काम बंद आंदोलन कर सकते हैं। बता दें कि अहमदनगर जिला अस्पताल के आईसीयू विभाग में 7 नवंबर को आग लग गई थी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी। इस अग्निकांड के लिए सरकार ने 3 डॉक्टर्स और 3 स्टाफ नर्स को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की है। इनमें से 4 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नर्सों पर दर्ज किए गए इन मामलों का संगठन विरोध कर रही है। सोमवार को इस संदर्भ में स्वास्थ्य राज्य मंत्री राजेंद्र पाटिल से भी संगठन के पदाधिकारियों ने चर्चा भी की। महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संगठन की सचिव सुमित्रा टोटे ने बताया कि सोमवार को हुई चर्चा में कोई हल नहीं निकल पाया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की जारी हड़ताल को लेकर गतिरोध टूटता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दिन भर की सेवा के हिसाब से देखा जाए तो कल पूरे कार्यालयीन समय में महामंडल के 7623 कर्मचारियों ने सेवाएं दी, जबकि 84643 कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। राज्य में एसटी महामंडल के कुल 92,267 कर्मचारी है। कुल 56 बसों का परिचालन हुआ। इन बसों में 824 यात्रियों ने सफर किया। इस बीच एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर अध्ययन करने के लिए गठित मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एसटी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि एसटी महामंडल का राज्य सरकार में विलय की मांग की गई है। सरकार जब तक विलय की मांग को नहीं मानती है तब तक हड़ताल शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगी। इसके पहले प्रदेश के परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडल अध्यक्ष अनिल परब ने कहा कि विलय की मांग के अध्ययन के लिए कमेटी गठित की जा चुकी है। इसके अलावा यदि एसटी कर्मचारियों की कोई और मांग है तो वह चर्चा के लिए आ सकते हैं। परब ने कहा कि दैनिक वेतन पर काम करने वाले 1500 कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए नोटिस दी गई है। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और अपराधियों को बचाने का आरोप लगाते हुए राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राजनीति के अपराधीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में दंगे की घटनाएं हैं। पाटिल ने कहा कि बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी ने हिंसक घटनाओं की मास्टरमाइंड रजा अकादमी पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है।
इससे पहले प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी बैठक में पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। साथ ही प्रदेश भाजपा ने राज्य की सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी पर राजनीति का अपराधीकरण करने का आरोप लगाया है। यह निर्णय लिया गया कि भाजपा राज्य भर में राजनीति का अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, सत्ताधारियों द्वारा ड्रग्स का समर्थन, महिला अत्याचार के बारे में जनजागृति के लिए 20,000 छोटी सभाओं का आयोजन करेगी। भाजपा की ओर से नवंबर के आखिरी में यह सभाएं आयोजित की जाएगी। इसके बाद भाजपा दिसंबर महीने में मुंबई में बड़ी सभा का आयोजन करेगी। मुंबई महानगर के ठेकेदारों पर बीएमसी किस कदर मेहरबान है, इसके कई प्रमाण सामने आ रहे हैं। ताज़ा खुलासा हुआ है कि बीएमसी ने पिछले महीने 1200 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला था। उस दौरान ठेकेदारों ने बीएमसी द्वारा निश्चित दर से 35-40% कम दर पर टेंडर भरा था। विपक्ष द्वारा सड़क मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने के बाद बीएमसी ने टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी थी। इसके बाद बीएमसी ने उन सड़कों की मरम्मत के लिए दोबारा टेंडर जारी किया। इस बार ठेकेदारों ने बीएमसी की तय दर से 15-20% कम दर पर काम करने की सहमति दिखाई है। बीएमसी रोड डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए अगले महीने स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जानकार मानते हैं कि इस खेल में बड़ा घालमेल है, जो दिख रहा है वह है नहीं और जो है वह दिख नहीं रहा। इसमें इंजीनियरों और ठेकेदारों का नेक्सस है, जो मुंबई की खराब होती सड़कों के लिए जिम्मेदार है। बता दें कि बीएमसी ने 1200 करोड़ रुपए की सड़क मरम्मत योजना के तहत परेल वर्ली लोअर परेल मुंबई सेंट्रल दादर बोरीवली अंधेरी पश्चिम दहीसर व कुर्ला सहित अन्य एरिया की सड़कों की मरम्मत की योजना बनाई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए सीबीआई ने देशव्यापी अभियान में 76 शहरों में एक साथ छापेमारी की और कई महत्वपूर्ण डेटा जब्त किए। जानकारी के मुताबिक ऐसे मामलों में 400% तक बढ़ोतरी हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत की बात सामने आ रही है। एक ओपिनियन पोल में यूपी में भाजपा के 239 से 245 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। तो कोयंबटूर में एक 31 साल के फिजिक्स टीचर को 12वीं कक्षा के एक छात्र की आत्महत्या से मौत के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इस साल की शुरुआत से टीचर उसका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न कर रहा था। उधर पाकिस्तान स्थित श्री गुरुद्वार करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए करतारपुर कॉरिडोर को आज फिर खोल दिया गया है। 6 यात्रियों का पहला जत्था दर्शन के लिए रवाना हुआ। वहीं सीबीएसई ने प्रथम चरण की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित करने के लिए बोर्ड परीक्षा के दिन ही पेपर समाप्त होने के साथ ही दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों को आंसर शीट जारी करने का निर्णय लिया है। देश की इन 5 बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वेबसाइट्स पर बैन होने के बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अवैध कारोबार व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से फल फूल रहा है। कई हैकर्स भी बच्चों की नादानी का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2019 के मुकाबले 2020 में बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने, उनका शोषण करने के मामलों में 400% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए देश के 76 शहरों में सीबीआई ने एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरों में की गई। 23 अलग अलग केस दर्ज कर 83 लोगों पर आरोपी बनाया गया। छापेमारी में सीबीआई को बड़ी तादाद में आपत्तिजनक दस्तावेज और डेटा मिले हैं। वहीं ओडिशा में छापेमारी के दौरान सीबीआई अधिकारी की जमकर पिटाई की गई, जिससे वो घायल हो गए। बता दें कि चाइल्ड पोर्न से संबंधित ढेरों मामले सामने आने के बाद सीबीआई ने एक स्पेशल कमेटी का गठन किया। इसे लेकर जहां पॉक्सो कानून को हाल ही में और भी सख्त बनाया गया, तो वहीं आईटी एक्ट में भी इसके लिए सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत की बात सामने आ रही है। एक ओपिनियन पोल में यूपी में भाजपा के 239 से 245 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। यदि ऐसा होता है तो फिर 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में भाजपा को एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत मिल जाएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर बड़े बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। सर्व में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगने का अनुमान जताया गया। सर्वे के मुताबिक अखिलेश यादव की पार्टी 119 से 125 सीटों पर ही अटक जाएगी। सर्वे के मुताबिक मायावती की बीएसपी एक बार फिर से बेअसर साबित होने वाली है और उसे महज 28 से 32 सीटें ही मिलने का अनुमान है।
लखीमपुर खीरी हाथरस कांड में काफी चर्चा बटोरने वाली प्रियंका गांधी की सक्रियता भी असर डालती नहीं दिख रही। सर्वे के अनुसार कांग्रेस के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल है। सर्वे के मुताबिक सिर्फ पश्चिम यूपी दोआब जैसे क्षेत्रों में भी भाजपा सबसे आगे निकलती दिख रही है, जहां उसके कमजोर होने की बातें कही जा रही थी। बता दें कि पश्चिम यूपी वह इलाका है जहां भाजपा को किसान आंदोलन से नुकसान पहुंचने की बातें की जा रही हैं। कोयंबटूर में एक 31 साल के फिजिक्स टीचर को 12वीं कक्षा के एक छात्रा की आत्महत्या से मौत के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि साल की शुरुआत से टीचर ने उसका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। पुलिस इस मामले में एक हस्तलिखित नोट की भी जांच कर रही है जो दो अन्य लोगों की संलिप्तता की ओर इशारा करता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यौन मामला इस साल की पहली छमाही में हुआ है। पुलिस ने बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए कानून के तहत लड़की की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप में निजी स्कूल की प्रधान अध्यापिका को भी गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि कुछ लोगों की विकृति ने एक छात्र के जीवन को ही छीन लिया है। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई यौन उत्पीड़न ना हो। हम अपराधियों को कानून के सामने पेश करेंगे और महिला सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। वहीं विरोधी पक्ष का कहना है कि इस मामले में सरकारी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि स्कूली छात्राओं को ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके और वह ऐसे नराधमों को सबक सिखा सके। पुलिस को भी ऐसे मामलों में खुलकर साथ देना चाहिए। पाकिस्तान स्थित श्री गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में दर्शन के लिए करतारपुर कॉरिडोर को आज फिर खोल दिया गया। 6 यात्रियों का पहला जत्था डेरा नानक से कॉरिडोर होकर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के लिए रवाना हुआ। 70 श्रद्धालु माथा टेकने श्री करतारपुर साहिब निकले। कोरोना के कारण यह कॉरिडोर पिछले करीब 20 माह से बंद था। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसे 17 नवंबर से खोलने की घोषणा की थी। गुरु श्री नानक देव के प्रकाश पर्व के मौके पर इस कॉरिडोर को खोलना सिख श्रद्धालुओं के लिए बड़ा तोहफा है। श्री गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 19 नवंबर को है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सहित पंजाब की पूरी कैबिनेट गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकने जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान के पोलियो मुक्त न होने के कारण गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जी को जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को पल्स पोलियो की बूंदें पिलाई जा रही हैं। पैसेंजर टर्मिनल के माध्यम से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए 3,000 पोलियो की बूंदें उपलब्ध करवाई गई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE ने प्रथम चरण की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए परीक्षा के दिन ही कॉपियों का मूल्यांकन करवाने का निर्णय लिया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा के दिन ही पेपर समाप्त होने के साथ ही दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों को आंसर शीट जारी कर देगा। उसके आधार पर स्कूल शाम तक OMR शीट का मूल्यांकन कराकर 4 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर नंबर अपलोड कर देंगे। नंबर अपलोड करने के बाद सभी परीक्षा केंद्र OMR शीट एकत्र कर डाक के जरिए बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को भेज देंगे। ऐसे में जैसे ही परीक्षा समाप्त होगी CBSE 10वीं और 12वीं के अंक जारी कर देगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि जो आंसर शीट जारी करेगा वह सिर्फ परीक्षा केंद्रों के लिए होगी। बोर्ड केंद्रों को पहले ही पासवर्ड जारी कर चुका है। CBSE ने सभी स्कूलों से 23 दिसंबर तक प्रैक्टिकल पूर्ण करवाने के निर्देश दिए हैं। प्रैक्टिकल शुचितापूर्ण संपन्न कराने के लिए बोर्ड ने सभी स्कूलों को अलग से गाइडलाइन जारी की ताकि किसी तरह की कोई संशय की स्थिति पैदा ना हो। CBSE ने परीक्षा के दिन ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर उसके नंबर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। सीमा पर चीन अपनी चतुराई में लगा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि हो रही है कि भारत से लगती सीमा पर तिब्बत में वह हेलीकॉप्टर की फौज तैनात कर रहा है। यही नहीं, वह कई नए एयरबेस बना रहा है तो पुराने एयरफील्ड को अपग्रेड भी कर रहा है। उधर ब्रिटेन में समुद्र तट के पास एक अजीब गरीब समुद्री जीव देखने में आया है। चेतावनी दी गई है कि इन्हें स्पर्श नहीं करें, इनका डंक बहुत दर्दनाक हो सकता है। इस बीच यूके की राजधानी लंदन में जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर की सेना का एक रॉकेट भी मिला है। दावा किया जा रहा है कि यही V2 रॉकेट दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी। तो UN में भारत ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों को पनाह देने, सहायता करने और सक्रिय रूप से समर्थन करने का स्थापित इतिहास और नीति है। इसके अलावा मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और बॉलीवुड अभिनेता विरदास मुश्किलों में आ गए हैं।
उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। हालांकि भारत को लेकर दिए गए अपमानजनक बयान को लेकर उन्होंने माफी भी मांग ली है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आंखें दिखा रहा चीनी ड्रैगन अब भारत से लगती सीमा पर तिब्बत में हेलीकॉप्टर की फौज तैनात कर रहा है। यही नहीं, इन हेलीकॉप्टरों को रखने के लिए चीन तिब्बत में एक विशाल हेलीपोर्ट बना रहा है, जहां 100 के करीब लड़ाकू और अन्य हेलीकॉप्टरों को छिपाकर रखा जा सकता है। ऐसे कई हेलीपोर्ट तिब्बत में बनाए जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन भारत से सटे इलाके में नए एयरबेस बना रहा है और पुराने एयरफील्ड को अपग्रेड कर रहा है। चीन इस इलाके में अब अपनी हेलीकॉप्टर फौज को मौजूद बनाने में जुट गया है और इसके लिए वह कई विशाल हेलीपोर्ट बना रहा है। चीन ने सबसे पहले साल 2020 में अपने J-20 हेलीकॉप्टर को तिब्बत में तैनात किया था। इससे ऊंचाई वाले इलाके में अभियान चलाना उसके लिए काफ़ी आसान हो गया है। यही नहीं, वह कई अन्य हेलीकॉप्टरों को इस इलाके में तैनात कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन गोलमुड़ में एक महाकाय हेलीपोर्ट बना रहा है। यहाँ पर हेलीकॉप्टरों के लिए 63 हैंगर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कई बैरक और इमारतें यहाँ पर बनाई गई है। चीन के इस कदम से भारत की परेशानी बढ़ गई है। सेना ने कई मौकों पर साफ कहा है कि चीन की चाल से सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। पिछले हफ्ते के तूफानी मौसम के बाद ब्रिटेन में समुद्र तट के पास एक अजीबोगरीब समुद्री जीव देखने में आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाली मैन ओवार को पूरे उत्तर पश्चिम में समुद्र तटों पर देखा गया है। चेतावनी दी गई कि इनका डंक बहुत दर्दनाक होता है। इस डंक का प्रयोग ये जीव मछली पकड़ने के लिए करते हैं। मरने के बाद भी यह खतरनाक बना रहता है। इसके डंक से सजग रहने को कहा गया है। एक 47 वर्षीय व्यक्ति ने इन्हें हाल ही में मर्सीसाइड के एन्सडेल बीच पर देखा था। कार्ल ली नामक व्यक्ति ने बताया कि यह देखने में बहुत अजीब था। पहले तो मुझे लगा कि यह एक गुब्बारा है, जब तक कि मैंने करीब से नहीं देखा और एक ऐप का उपयोग करके इसकी पहचान की। ये मांसाहारी शिकारी है जो अपने डंक से मछलियों को पंगु बना देते हैं। इन समुद्री जीवों के पैर इतने लंबे होते हैं कि यह 100 फीट तक पहुँचते हैं। इन्हें कभी कभी ब्लू बॉटल जेलीफिश भी कहा जाता है। हालांकि यह तकनीकी रूप से जेलीफिश नहीं है, इन्हें पोर्टगिश मैन ओआर कहा जाता है। माना जा रहा है कि हाल के तूफानी मौसम के कारण ये जीव इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम में दिखाई दे रहे हैं। वे आमतौर पर अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में पाए जाते हैं। दुनिया दो विश्व युद्धों की विभीषिका को आज भी नहीं भूल पा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ और तब से अब तक 75 वर्ष बीत चुके हैं। इस बीच पुरातात्विक खोजों में मिल रहे युद्ध के नमूनों से पुराने जख्म हरे हो जा रहे हैं। हाल ही में यूके की राजधानी लंदन में जर्मन शासक एडोल्फ हिटलर की सेना का एक रॉकेट मिला है। दावा किया जा रहा है कि यही V2 रॉकेट दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी। जर्मन सेना ने 76 साल पहले यह रॉकेट लंदन पर दागा था। हालांकि वह लक्ष्य से 30 किलोमीटर पहले ही गिर गया। एक अखबार का दावा है कि जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूके पर ऐसे हजारों रॉकेट दागे जिनसे वहां करीब 9,000 लोग मारे गए थे। ये सभी रॉकेट यूरोप के नाजी नियंत्रित इलाकों में बने मोबाइल साइट से दागे गए थे। इनमें विस्फोटक भरे होते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। उस रॉकेट का एक हिस्सा सितंबर महीने में मिला था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें तरल ऑक्सीजन और अल्कोहल का घोल रखा गया होगा। इसी तकनीक से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा गया था। संयुक्त राष्ट्र में अक्सर कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को बदनाम करने की चाल इस बार पाकिस्तान पर उल्टी पड़ गई। यूएन में भारत के स्थायी मिशन में परामर्शदाता डॉक्टर काजल भट्ट ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इस बात से अवगत है कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों को पनाह देने, सहायता करने और सक्रिय रूप से समर्थन करने का स्थापित इतिहास और नीति है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने मेरे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग किया है और दुनिया का ध्यान अपने देश की दुखद स्थिति से हटाने की कोशिश की है। इनके देश में आतंकवादी खुले घूमते हैं, यह आम लोगों खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे विश्व स्तर पर आतंकवाद का समर्थन करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और पैसे और हथियारों से उनका पोषण कराने के लिए जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी करने का अपमानजनक रिकॉर्ड रखता है। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और बॉलीवुड अभिनेता वीर दास मुश्किलों में आ गए हैं। अभिनेता के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज हुई है। वीर दास के खिलाफ यह शिकायत उनका एक वीडियो सामने आने के बाद की गई है। हाल ही में उन्होंने अमेरिका में अपना कॉमेडी शो किया। इस शो में उन्होंने भारत की महिलाओं और देश की प्रतिष्ठा को लेकर विवादित बयान दिया था।
वीरदास ने अपने आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट पर इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वीरदास कहते हैं कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूँ जो दिन में महिलाओं की पूजा करते हैं और रात में उनका सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। उनके इस बयान पर कई भारतीयों ने अपना गुस्सा जाहिर किया और वीरदास की जमकर आलोचना कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक बयान जारी कर अमेरिका में भारत को लेकर दिए अपमानजनक बयान को लेकर माफ़ी मांगी है। वीरदास ने कहा है कि उनका इरादा भारत का अपमान करना नहीं था, भारतीय होने पर मुझे गर्व है। वही बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील आशुतोष दुबे ने वीरदास के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।